यही है काशी नगरी। वो रहा काम को लो, ओम नमो भगवते रुद्रा, ओम नमो भगवते रुद्रा, ओम नमो भगवते रुद्रा, ओम नमो भगवते रुद्रा। अवतार दुर्वासा के जप के प्रभाव से ऐसा हुआ है देवी। नारद ने दुर्वासा का क्रोध शांत करने के लिए उन्हें हमारी आराधना का परामर्श दिया था। क्या आपकी आराधना करने से उनका क्रोध शांत हो जाएगा? आप मुस्कुराकर मौन क्यों हो गए स्वामी? हमें तुम्हारे भोलेपन पर विचार आ गया। इतना ज्ञान तो तुम्हें भी है कि क्रोध और आराधना दोनों कभी एक स्थान पर आमने सामने नहीं होते। दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव को शांत करने के लिए आराधना कर रहे हैं, परंतु उनका क्रोधी स्वभाव आराधना से शांत होता है अथवा नहीं, ये जानने के लिए तो प्रतीक्षा करनी होगी। साथ ही हमें उनके धैर्य की परीक्षा भी लेनी होगी। दुर्वासा ऋषि, ये कठोर तपस्या कहीं स्वर्ग प्राप्ति के प्रयत्न में तो नहीं कर रहे हैं? देवराज, ज्ञात हुआ है कि ये ऋषि अत्रि और सती अनसुईया के पुत्र हैं, और ये भी सुना गया है कि इनका स्वभाव अति उग्र है। नारायण नारायण। देवराज, ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे हैं अपने क्रोधी स्वभाव को शांत करने के लिए, ना कि आपके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए। और आप उन्हें छेड़ने का प्रयत्न कदापि ना करें, अन्यथा परिणाम भयंकर हो सकते हैं। नारायण नारायण। कुछ प्राप्ति नहीं हुई, कुछ भी नहीं।
मेरी समस्त तपस्या एवं आराधना व्यर्थ सिद्ध हुई, व्यर्थ। मैं व्यर्थ ही नारद के बहकावे में आ गया, उसने मुझे मूर्ख बनाया है। यहां न तो आनंद है न शांति है, ये काशी मात्र निराशा की भूमि है, निराशा। मैं इसी क्षण इसे श्राप देकर इसकी महिमा को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सिद्धेश्वर शिवलिंग, रुद्रावतार दुर्वासा, काशी को शापित करने की शक्ति किसी में नहीं है। आनंद नगरी काशी को कोई भी शाप छू नहीं सकता, प्रलय भी इसे डुबो नहीं सकता। अतः तुम अपने क्रोध को शांत कर हमारे साथ काशी में रहने का आनंद बना। मुझे क्षमा करें शिव शंकर, आप ही के रुद्र अंश से उत्पन्न मैं अपने क्रोध को वश में नहीं रख सकता और सदा श्राप देने के लिए उद्यत हो जाता हूं। भगवान दुर्वासा, तुम्हारा नाम शाप से ही सुशोभित होता है, परंतु शाप तभी दो जब कोई प्राणी विपरीत आचरण करे अथवा सत्य असत्य के विवेक को भूल जाए। तो अब मेरी तपस्या सफल हुई ना भगवान? हमारे प्रकट होने का यही अर्थ है। तुम्हारे द्वारा स्थापित दुर्वासेश्वर शिवलिंग अब कामेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो व्यक्ति कामकुंड में स्नान कर कामेश्वर की आराधना करेगा उसकी सभी कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आपने मेरी तपस्या का प्रतिदान देकर मुझे उपकृत किया है भगवान, मैं धन्य हुआ। बात है देवी, तुम उदास क्यों हो? इसका भी कारण है स्वामी, दुर्वासा अपनी व्यग्रता को शांत करने के लिए भ्रमण करने गया था। वर्षों बीत गए किंतु वो लौट कर नहीं आया। मुझे कुछ चिंता हो रही है, न जाने वो कहां होगा। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माता को चिंता करने की क्या आवश्यकता है देवी? तुम दुर्वासा को बुलाने की इच्छा मात्र करोगी तो वो तुरंत दौड़ा चला आएगा। किंतु ये कैसे ज्ञात होगा कि इस समय वो कहाँ होगा? क्यों भूल जाती हो देवी, तुम्हें शिवलिंग में तीनों लोक देखने की सिद्धि प्राप्त है। तुम शिवलिंग में देखकर दुर्वासा को पुकारो, वो तुम्हें तुरंत दिखाई देगा। शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुर्वासा, पुत्र दुर्वासा, कहाँ हो तुम? ओम नमो भगवते रुद्राय। पुत्र दुर्वासा, कहाँ हो तुम? माता, तुम शीघ्र आश्रम लौट आओ पुत्र, मैं तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हूँ। माता की आज्ञा शिरोधार्य, मैं स्वयं आप लोगों से मिलने के लिए व्याकुल हूँ। माता, व्याकुल दुर्वासा माता पिता के दर्शनार्थ प्रस्थान करते हैं। जिस प्रकार ऋषि दुर्वासा ने महेश्वर शिव के दर्शन प्राप्त कर अपना जीवन धन्य किया, उसी प्रकार ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के निमित्त महर्षि विश्वामित्र भी कठोर तपस्या कर रहे थे, जिससे सर्वप्रथम देवराज इंद्र प्रभावित होते हैं। वे देवराज जिन्हें सदा ही ये चिंता पीड़ित करती है कि कहीं कोई दानव मानव अथवा ऋषि अपने तप के बल से उनके सिंहासन का हरण न कर ले। स्वर्ग की अप्सरा मेनका के साथ आकाश भ्रमण करते हुए विश्वामित्र को तपस्यारत देखकर